आदमी का माइंड न केवल आदमी को खुद को चलाता है बल्कि उसके आसपास वाली घटनाओं को भी निर्धारित करता है। कई बार इसके बारे में बात की है और आपने कई मूवीज में या कहीं भी ये डायलॉग सुना होगा कि आदमी का जो माइंड है वो जैसा सोचता है उसके साथ वैसी ही घटना होना शुरू हो जाती है, उसके साथ वैसे ही जो है ना लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके साथ वैसे ही लोग है ना आना शुरू हो जाते हैं, उसकी सफलता जो है ना उसका माइंड ही डिसाइड करता है। तो माइंड में क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइंड में बहुत जबरदस्त तरीके से चलता है, तगड़े तरीके से जो चलता है, सृष्टि उसकी पूर्ति अवश्य करती है। सब पहले भी बात कर चुका हूं कि हमारे माइंड ने जो सोचना शुरू किया, बहुत ज्यादा सोचा उसके बारे में, बहुत ज्यादा सोचा तो ये सृष्टि सारा काम छोड़ के आपकी उस चीज को आप तक पहुंचाने में या फिर आपको उस जगह तक या उस चीज तक पहुंचाने में पूरी ताकत या पूरी शक्ति लगा देती है। इसका मतलब आदमी की जो सोच होती है वही आदमी की सफलता के लिए सबसे पहली सीढ़ी है, या यूं कहे कि प्रारंभिक अवस्था है, इनिशियल स्टेज है या शुरुआती अवस्था है। जब माइंड सोचना शुरू करता है उसके बाद ही बॉडी एक्टिवेट होती है, उसके बाद ही माइंड एक्टिवेट होता है, उसके बाद ही पूरा जो अंदर का सिस्टम है वो सारा एक्टिवेट होता है बॉडी का, और फिर उसके बाद ही उसकी जो है ना उसकी तरफ बढ़ना या उसकी तरफ चलना शुरू होता है। और जिस दिन चलना शुरू हो गया उस दिन ही मान लेना वो चल पड़ा अपनी सफलता की राह पर। अब तो वो सफल होके ही मानेगा क्योंकि चलने का मतलब होता है सफलता। मैंने बहुत बार कई प्रोग्राम्स में कहा कि सफलता केवल आप किसी चीज को पा ले ये सफलता नहीं है, आपने उसकी ओर अगर चलना शुरू कर दिया सही रास्ता चुन के वो भी सफलता होती है। क्योंकि जिस दिन आपने चलना शुरू कर दिया एक बात तय है कि आप वहां पहुंच ही जाएंगे। एक दिन में हो सकता है एक दिन लेट हो जाए, दो दिन लेट हो जाए, 10 घंटे लेट हो जाए, 2 महीने लेट हो जाए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई आदमी सिक्कर के लिए चलाओ और वो जयपुर पहुंच गया हो, ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं है। जो आदमी सिक्कर के लिए चलता है वो सिक्कर ही पहुंचता है, भले ही 2 दिन लेट पहुंच जाए, 4 दिन लेट पहुंच जाए, आगे हो जाए, पीछे हो जाए, लेकिन वो पहुंचता सिक्कर ही है। तो बात वही है, आपने अगर किसी चीज के बारे में सोचना शुरू किया और उसके लिए चलना शुरू कर दिया तो एक बात तो तय है कि आप एक दिन वहीं पहुंचने वाले, एक दिन आपका मुकाम वही होगा, एक दिन आपका स्टे वही होगा जिसके लिए आपने चलना शुरू किया है। हो सकता है 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, 4 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन बताया ना मैंने, सोचना जिस दिन जिसके लिए शुरू कर दिया ना वहीं पहुंचता है आदमी। जो आदमी, मैंने कई बार कई प्रोग्राम्स में कहा है, जो आदमी कंडक्टर बनने के बारे में सोचता है वो एक दिन कंडक्टर बन जाता है, जो कलेक्टर बनने के बारे में सोचता है वो कलेक्टर बन जाता है। आदमी की सोच तय करती है कि जाना कहाँ है, और जो लोग सोचते ही छोटा है, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इतना छोटा सोचते, इतना छोटी बातें करते हैं, उनकी बातें जो होती है ना उनके पीछे कोई बड़े सपने नहीं होते, वो तो कुछ भी बात करके तो आपको नेगेटिव जवाब देंगे। भाई आज के टाइम में ये कहाँ होता है यार, आज के टाइम में ये कैसे हो ही नहीं सकता, आज के टाइम में नौकरी कहाँ मिलती है, आज के टाइम में लोग कैसे कुछ कर ही नहीं पाते, आज के टाइम में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में जो है ना दाना पानी मतलब का जुगाड़ करना बहुत मुश्किल है, दाल रोटी भी आदमी कमा नहीं सकता आज के टाइम में, आज के टाइम में। अब मैं उन सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आज का टाइम शुरू कब हुआ था, आज से 100 साल पहले कोई काम मुश्किल नहीं था, आज भी कोई काम मुश्किल नहीं है, और आने वाले 100 साल बाद में भी कोई काम मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप उस काम को अंदर से अंदर आपके दिमाग में बैठ गए, आपके सब कुछ है ना पूरा पॉजिटिवनेस आ गई, मुझे काम करना है। तो ना तो 100 साल पहले मुश्किल था, ना आज मुश्किल है, ना आने वाले 100 साल बाद में मुश्किल होगा। कभी कोई मुश्किल वर्ड होता नहीं है, चाहे दुनिया कुछ भी कर जाए। आपको लगता होगा, मैंने कई बार कहा कि जब स्कूल शुरू किया तो काफी सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे और लोगों ने कहा था कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। मैंने कहा भाई है कर जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता था मैं कर जाऊंगा, मुझे अपनी काबिलियत पे, अपने आप पे आत्मविश्वास को कहते हैं, और कॉन्फिडेंस नहीं, केवल कॉन्फिडेंस अपने आप पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास इतना था कि नहीं मैं कर जाऊंगा। तो आपको भी अपने अंदर कोई मुश्किल नहीं होता बेटा। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर हो सकता है आज के टाइम में इतनी नौकरियां लग रही है, लेकिन मैं तो जब पढ़ता फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर करके जब आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा उस समय। देखिए जो स्टूडेंट आज साइंटिस्ट बन गए, जो स्टूडेंट आज जो है बेटा IAS बन गए, वो भी आपकी तरह ही सोचा करते थे। जब वो भी 12वीं क्लास में पढ़ के 12वीं का एग्जाम देके उनके दिमाग में ये बातें आया करती थी कि पता नहीं मैं पढ़ के जाऊंगा उस समय पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं भी जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, जेट में सिलेक्शन हुआ था, उस समय मुझे भी ये लगता था कि यार जब मैं आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, उस समय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं उस समय जो है ना ये अपॉर्चुनिटीज रहेगी या नहीं रहेगी, पता नहीं ये लोग इतने अवसर मेरे लिए होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं बता दूं, कभी भी कोई समय अवसर के लिए कभी भी कोई बुरा समय नहीं होता है, कोई भी उपयुक्त समय नहीं होता है। हर इंसान के लिए हर समय में, हर साल में, हर महीने में, हर सदी में, या यूं कहे हर तारीख में उपलब्धियां होती है, अचीवमेंट्स होती है, बशर्ते कि वो उस बात को समझ जाए, बशर्ते कि उसके बारे में सोचना शुरू कर दे। तो एक तो डिसाइड करो कि जाना कहाँ है भाई, डिसाइड ही नहीं कर पाते। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है क्या करना है, बस केवल वो सोचते हैं कि मुझे पढ़ना है,
मुझे जो है ना ये करना है बस, लेकिन उनको क्यों करना है ये पता नहीं है। मतलब कैसे करना हो तो खैर बात की बात है, उसके लिए तो कई बार जवाब मिल जाते हैं। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज हो गई कि कैसे करना, इसके तो बहुत जवाब आजकल आप कहीं देख लो, आप किसी से पूछ लो, बहुत लोग मिल जाएंगे जो उस राह में। जैसे मैं आज जिन सर के पास गया हुआ था, इतने बड़ी शख्सियत, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि भाई साहब सही बताना आप कि आप मैं मुझे मेरे लिए आप आदर्श थे, जब मैं पढ़ रहा था मैं फर्स्ट ईयर में था तब आप एमएससी में थे, आप आदर्श थे, और भी कई सारे जो लोग हैं जिनको मैं देख के सीख सकता था, लेकिन भाई साहब जब आप पढ़ते होंगे, जब आपने 12वीं क्लास की होंगी, तो आपके लिए कौन आदर्श था? आपको कैसे लगा कि मुझे ये कभी हो सकता है कि मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा और एग्रीकल्चर में जाने के बाद में जो है ना मैं बीएससी करूंगा, फिर एमएससी करूंगा, पीएचडी करूंगा, उसके बाद में इतनी बड़ी पोस्ट में जाऊंगा और एक दिन इतना बड़ा बन जाऊंगा? तो उन्होंने बड़ा प्रेम से जवाब दिया कि भाई मेरे को ये तो नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी जगह पे जाऊंगा, लेकिन इतना विश्वास था कि एक दिन मैं बहुत बेहतरीन करूंगा। और अब मेरे लिए जो गाइडेंस, उन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं इंसान ही कोई गाइडेंस हो, जरूरी नहीं, मेरे लिए मेरे गाइडेंस थे मेरे दादाजी। जो मेरे दादाजी थे वो कैसे संघर्ष करते थे, वो कितना मेहनत करते थे, सुबह उठते थे, दिन भर काम करते थे। मेरे फादर जो है ना खेत में काम करते थे, मेरी मम्मी जो है ना वो खेत में काम किया करती थी, उनको देख के मुझे लगता था कि नहीं मुझे कुछ करना है इनके लिए, है ना। उसके बाद में कुछ और भी लोगों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया कुछ लोगों से जो है ना, और धीरे 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 रास्ता जब मैंने चलना शुरू कर दिया, देखिए रास्ता केवल बेटा उसी को मिलता है जो चलना शुरू करता है, बैठे बैठे किसी को रास्ता नहीं मिलता। आप बैठे बैठे सोचो कि मुझे दिल्ली का रास्ता मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन आपने चलना शुरू कर दिया हर मोड़ पे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो बता देगा कि नहीं भाई साहब ये नहीं जाएगा, ये रास्ता तो जयपुर जाता है, ये तो सीकर जाता है, दिल्ली के लिए तो आपको इधर मुड़ना पड़ेगा, फिर आगे जाओगे फिर कोई बताने वाला मिल जाएगा इधर। लेकिन वो बताने वाले तभी मिलेंगे जब आप उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। आप कहो कि मुझे कोई रास्ता बताने वाला आ जाए, मैं सो जाता हूँ घर पे है ना तकिया लगा के, और मुझे रास्ता बताने वाला आ जाए, कभी नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे चलना शुरू करेंगे, जहां भी आपको लगेगा मैं भटक रहा हूँ, आपको कम से कम 20 लोग, 100 लोग, 200 लोग मिल जाएंगे जिनसे आप आराम से पता कर सकते हैं कि रास्ता कहाँ जाता है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप कि जीवन में कहाँ जाना है ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा, जानना का ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा, जानना कैसे उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, बहुत सारे जो है ना आपको बताने वाले हैं, बहुत सारे मार्गदर्शक है, जानना कैसे है उसके लिए तो कोई कमी नहीं आज की तारीख में। हो सकता था जब उस समय भाई साहब जब पढ़ रहे थे उस समय हो सकता था कमी थी, लेकिन आज के टाइम में उसकी कमी नहीं बेटा। आज तो आप कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट टू नो, यू मे गो टू यूट्यूब, यू मे गो टू गूगल, यू मे गो टू एनी पर्सन हु गेट्स दैट टाइप ऑफ सक्सेस। आप जो है ना यूट्यूब पे जा सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो पहुंच गया वहां पर। और देखिए कोई भी व्यक्ति जब जितना बड़ा होता है ना उतना ही वो शालीन होते हैं, बहुत शालीन होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो बोलचाल होता है, जितना आदमी छोटा होता है ना उसमें उतना ही ज्यादा घमंड होता है, उसमें उतनी ज्यादा जो है ना एक अपने आप पता नहीं मैं क्या हूं ऐसे सोचने के लिए, जितना बड़ा इंसान हो जाता है उतनी ही उसमें ज्यादा विनम्रता आ जाती है, हम्बलनेस आ जाती है। आज मैं जब उनके पास 2 घंटे 3 घंटे बैठा रहा, मुझे लगा मैं बहुत मतलब कहां बैठा हूं मैं, जिनके बारे में सोच रहा था पता नहीं कैसे भाई साहब बात करेंगे कैसे क्या करेंगे, लेकिन मुझे लगा भाई साहब तो बहुत सिंसियर बहुत ही जबरदस्त है। इसका मतलब जितना बड़ा आदमी होता है, जितना बड़ा फल जिसपे ज्यादा लगते हैं वो ज्यादा झुक जाता है, ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। तो भाई साहब का व्यक्तित्व मुझे ऐसा ही लगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज के टाइम में अवसर है और उस समय नहीं होंगे, ये कभी दुनिया में हुआ नहीं बेटा। जब आप आएंगे ना उस स्टेज पे और आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी करने के बारे में सोचते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो आपको ज्यादा चांसेस मिलने वाले, ज्यादा अवसर मिलने वाले हैं बजाय आज की तारीख के। आज की तारीख में जितनी अपॉर्चुनिटी उससे कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी जब आप इस दुनिया में इस समय उस जगह आएंगे, मतलब वो जो वाला टाइम आएगा जब आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, पीजी कर चुके होंगे, या फिर जो भी आपका सपना है उसके लिए जो बेसिक नीड सही है भाई फैक्ट्री चलानी है, तो उसके लिए आपको जो नॉलेज जिस दिन आप प्राप्त करोगे उसके बाद फैक्ट्री डालोगे तो भी फैक्ट्री तगड़ी चलने वाली, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कोई किसी चीज का कोई समय नहीं होता है, ये तो आदमी खुद डिसाइड करता है। और फिर मैंने शुरुआत में कहा ना आदमी का दिमाग बहुत शक्तिशाली होता है। अब आदमी बता क्या करता है, आदमी गलती क्या करता है, वो अपने दिमाग में वही चीजें सोचता है जो उसको विध्वंस कर सकती है। मैंने कई बार कुछ एग्जांपल दिए बहुत सारे कि कुछ लोग आपको दुनिया के 96% लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनको ये पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार अगर उनको पता भी है कि क्या सही है क्या गलत है और फिर भी वो कभी भी सही वाले को नहीं चुनेंगे। आज मैं बात करूं ये मोबाइल वाली, इतना खतरनाक बीमारी हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी कि आदमी इसका गुलाम हो चुका है बेटा। इतना जकड़ लिया इसने कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। आज इस मोबाइल ने आदमी के सोचने समझने की शक्ति कम कर दी है। मैं
उस बात को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं जहां पर आपको पढ़ाई मिल रही है, जहां पर आपको ज्ञान मिल रहा है, उसको नहीं कर रहा हूं। लेकिन ज्ञान और पढ़ाई वाला बहुत अच्छा जो बच्चा होता है, समझदार बच्चा होता है, वो उसका ये यूटिलाइज करता है। लेकिन ज्यादातर जो अबोध बच्चे होते हैं या ज्यादातर जो समझते नहीं है दुनियादारी के बारे में, या जिनको पता नहीं है 5 साल बाद में इस दुनिया में क्या होने वाला है, वो लोग उन चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे आप मोटिवेशनल वाला जैसे शुरू हुआ ना सेगमेंट, आप देखना 20 या 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है क्वेश्चन ही मुझे जिंदगी में सफल कर देंगे। कभी नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन ही जिंदगी में सफल नहीं कर पाएंगे। इन क्वेश्चन को मुझे पढ़ना कैसे है और इन क्वेश्चनों के पढ़ने के लिए मेरे अंदर भूख कैसे जगे, ये चीजें भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सारी चीजें आती है, मुझे किस चीज की क्या जरूरत है। जबकि एक्चुअलिटी ये है, एक दिन जो व्यक्ति लगातार जुड़े हुए इस वाले प्रोग्राम में, एक दिन उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंज आना शुरू हो जाएगा। एक दिन उनको लगेगा वाकई मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। होगा बेटा, ऐसा नहीं होता है। देखिए आप, ये आयुर्वेद, मैंने पहले भी आपको कहा था आयुर्वेद ही, ये आयुर्वेद है, इसका असर धीरे धीरे होता है। आपको लगातार अगर अच्छी बातें की जाएगी, अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, सपने पालना सिखाया जाएगा, एक दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे, नो डाउट। कोई हो सकता है जो बच्चे जिनको लगता है कि मुझे क्वेश्चन की जरूरत है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि जिनमें सुनने की क्षमता है, जिनमें सीखने की क्षमता है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो है ना, जिनके अंदर ललक है और लगातार उनको वही चीज मिल रही है, उनको बताया जा रहा है कैसे सफल होना है, कैसे करना है बढ़िया, क्या क्या रास्ते हो सकते जाने के लिए, रास्ता कैसे मिलता है ना, और वो उसके अंदर क्या पावर आ जाते हैं जब वो उस पोस्ट पे पहुंच जाता है, क्या क्या शक्तियां आ जाती है, तो धीरे 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 उसके माइंड में चीजें जाना शुरू हो जाती है। और आयुर्वेद की दवाई जैसे धीरे धीरे असर करके एकदम से पूरी बॉडी को चेंज कर देती है, दवाई रोग को खत्म कर देती है, वैसे ही जो आदमी की छोटी सोच का जो रोग है, जो नहीं बढ़ सकता, ये वाली जो दिमाग में बात है, वो धीरे 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 खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए कभी भी नेगेटिविटी अपने दिमाग मत, भाई मैं कह रहा हूं ना, जैसा सोचता है वैसे ही बॉडी करना शुरू कर देती है। ये जो दुनिया है, ये सृष्टि है, वो आदमी के मस्तिष्क की एक एक चीज की अनुपालना करती है। जिसको मस्तिष्क बहुत ज्यादा बार सोचता है, बहुत ज्यादा बार उसके बारे में विचार करता है, बहुत गहराई सोचता है, क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग पता क्या सोचते हैं वो सोचते हैं भाई ये बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है, मुझे यही करना चाहिए। एक्चुअली वो बढ़िया नहीं होती है बेटा, वो आपको लगती है बढ़िया है, ये अच्छा रास्ता है, मुझे मूवीज देखनी चाहिए, मुझे जो है ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम गुजारना चाहिए, मुझे व्हाट्सएप पे बहुत टाइम देना चाहिए, या मुझे जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना जो अच्छे लोग नहीं है जिनके साथ केवल मैं हंसता ही रहूं दिन भर, मुझे बहुत ज्यादा टीवी देखना चाहिए। टीवी सबसे खतरनाक बीमारी है बेटा, टीवी तो मोबाइल किससे भी खतरनाक है, बहुत खतरनाक होती है। तो इन चीजों में जो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। आपके आसपास देख लेना, जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, सारे घर वाले टीवी देखते हैं, है ना, वो आप देख लेना आज से 20 साल पहले भी वही थे, आज भी वही मिलेंगे और आज के 20 साल बाद में भी वही मिलेंगे, थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा। लेकिन जिन लोगों ने टीवी को बंद करके अंदर रख दिया, नहीं देखते वो समाचार, कुछ भी नहीं करते, एक दिन वो बहुत आगे चले जाएंगे। यही मोबाइल के साथ है, मोबाइल का भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। मैं कई बार खुद देखना शुरू कर देता हूं तो मुझे नहीं लगता कब हो जाता आधा घंटा, मुझे पता नहीं चलता कब आधा घंटा हो जाता, कभी एक घंटा हो जाता, पता नहीं चलता। मोबाइल लेके बैठे उसके अंदर पता नहीं क्या आ रहा, उसके बाद क्या आ रहा है, ये मूवी की क्लिप आ गई, ये टिकटॉक के आज भी वीडियो डाल रखे लोगों ने फेसबुक के ऊपर, आज भी जो है ना कुछ ना कुछ आ जाता है, उनको देख देखते पूरा टाइम निकल जाता है। तो ये इतनी खतरनाक होती है, छोटी छोटी जो टाइम अपने एक एक घंटा आधा घंटा खराब करते हैं, न केवल टाइम खराब कर रहे बल्कि दिमाग में भी तो कचरा भर रहे हैं। भाई दिमाग में भी तो कचरा जा रहा है, पूरा का पूरा कचरा जाके जमा हो रहा है और जो अच्छी चीजें आनी चाहिए उसके लिए जगह बची नहीं रही। तो आज के बाद में कुछ चीजें बेटा, एक तो टीवी बिल्कुल ही नहीं देखना जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो मैं कह रहा हूं, चाहे आप कितने ही बड़े साइंटिस्ट होंगे, कितने ही बड़े महान व्यक्ति होंगे, कितने ही बड़े आप समाचार देखने वाले होंगे, कितने ही बड़े जो है ना कुछ भी करने वाले होंगे, अगर आपके घर में आधा घंटा भी टीवी चलता है, भले ही चाहे समाचार के लिए चलता हो, तो ये मान लेना कि आपके घर वालों की सोचने समझने की क्षमता काफी कम होती चली जा रही है। आप जीवन के बारे में सोचना कम कर रहे हैं, भले ही चाहे कुछ भी देख रहे होंगे, आप बहुत अच्छी चीजें देख रहे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में इतना खतरनाक असर करता है ये कि आदमी जो है ना वाकई डिसीजन लेने की पावर धीरे धीरे खोता चला जाता है, उसको लगता है बस मैं पता नहीं क्या हो गया। और यही बेटा, लगातार अगर आप मोबाइल में वो चीजें देख रहे हैं तो नहीं दिखनी चाहिए, तो आज जैसा फिर आपका दिमाग उसके बारे में वैसे ही विचार आना शुरू हो जाता है और वैसे ही बनना शुरू हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा बेटा चेंज कीजिए, अपने आप को बदलिए बेटा उन चीजों को, क्योंकि ये मोबाइल आपको खत्म कर देगा बेटा, ये मोबाइल खत्म कर देगा, ये टीवी आपको खत्म कर देगा, इनको बेटा दूर कर दीजिए, क्योंकि दुनिया बड़ी फास्ट चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है। आज लोग इतने पैशनेट अपने काम को लेके, इतने जुनूनी अपने काम को लेके कि आप सोच नहीं सकते, इतना मेहनत करते हैं, रात दिन अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, रात दिन आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। और एक वक्त आएगा भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूं जिंदगी भर आप जो है ना मेहनत करते रहना, आज से 5 साल 7 साल बाद में आपका भी वक्त आएगा, बहुत अच्छा वक्त आएगा, गजब वक्त आएगा, आपके लिए सारी सुविधाएं होंगी, जीवन को जीवन के सारे सुख भोगने को मिलेंगे। लेकिन अगर अभी से आपने सुख भोगना शुरू कर दिया, तो जिस समय सुख भोगने का टाइम आएगा
उस समय आप योग्य ही नहीं रहेंगे सुख भोगने के। इसलिए बेहतरीन करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए और जो चीजें आपको रोक सकती हैं उनसे छुटकारा पा लीजिए, नहीं तो वो आपको तबाह कर देगी, क्योंकि माइंड जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि माइंड कैसे कैसे सोचता है और माइंड के सोचने से क्या क्या हो जाता है। होता क्या, एक बहुत ही धनवान आदमी होता है और व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर निकला होता है। अब वो किसी जंगल में, बहुत घना जंगल था, बहुत ही भारी जंगल था, वो वहां उस जंगल में से निकल के चला जा रहा था और थोड़ा उसको लग रहा था भाई अभी घना जंगल आ गया, अभी पता नहीं कितना और चलना पड़ेगा। तो चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक गया और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुक गया वहां पर। उसको सुस्ताती हुई, जैसे वो सुस्ता रहा था, रेस्ट कर रहा था, उसको प्यास लग गई। प्यास के बारे में जैसे लगी उसको आया कि काश मैं पानी लेके चलता, काश मैंने पानी लिया नहीं, है ना, ऐसी सोच रहा था वो, काश मुझे पानी मिल जाए यहाँ। और जैसे उस आदमी ने सोचा ना पानी मिल जाए, अचानक ही चमत्कार हो गया, उसके सामने जो है ना पानी का एक घड़ा मटका प्रकट हो गया, उसके अंदर लोटा वगैरह सारा सब कुछ आ गया। उसने पानी पिया, रेस्ट किया, फिर से जो है ना सुस्ताने लग गया, सोने लग गया। मतलब जैसे ही उसने सोचा पानी आ जाए तो उसके सामने पानी अपने आप ही आ गया और प्रकट हो गया और उसको प्यास सो गया आराम से। लेकिन वो है ना थोड़ी देर और हुई थी, उसको लगा प्यास तो बुझ गई लेकिन पेट खाली पड़ा है, भूख लगी पड़ी है। काश ऐसा होता कोई बढ़िया सा भोजन मेरे पास आ जाता, शानदार वाला भोजन आ जाता, स्वादिष्ट वाला भोजन आ जाता तो मेरी भूख मिट जाती, बस ये सोचना ही था। फिर से चमत्कार हो गया और उसके सामने व्यंजनों से भरी हुई थाली आ गई। हाँ, भांति भांति के व्यंजन है, अलग अलग व्यंजन है, कहीं बर्फी पड़ी है, कहीं कलाकंद है, कहीं काजू कतली है, कहीं क्या है, और उसने आराम से भरपेट भोजन किया। अब उसको नींद आने लगी, उसको कहा यार कैसे सोऊं भाई यहाँ पर, ये तो बड़ी पथरीली जमीन है, इस पथरीली जमीन के ऊपर मैं कैसे सोऊं, कैसे जो है ना यहाँ आराम करूं। उसने कहा काश कोई मस्त वाला सा बेड आ जाए, बहुत अच्छा वाला बिस्तर आ जाए और मुझे जो है ना उसके ऊपर सोने को मिल जाए और अचानक मुझे जो है ना मजा आ जाए भाई, तो एक आरामदायक बिस्तर आ जाए जिसके ऊपर फूल बिछे हो, बढ़िया सा गद्दा लगाओ, है ना भाई, ये इस तरह का। और जैसे उसने सोचा ना, अचानक ही जो है ना उसके सामने एक शानदार वाला बेड आ गया जिसके ऊपर सारी सुविधाएं थी, है ना, तकिया भी लगा हुआ है, रजाई भी पड़ी है आराम से। उसको तो लगा मजा आ गया, मुझे तो यार आज तो आनंद आ गया भाई, आज तो तगड़ा काम हो रहा मेरे साथ, मुझे लग रहा मैं कोई स्वर्ग वर्ग में तो नहीं आ गया, है ना, जो भी सोच रहा वही उसके साथ होता चला जा रहा। लेकिन उसको पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है एक्चुअली वो कल्प वृक्ष है। वो कल्प वृक्ष था, कल्प वृक्ष आपने नाम सुना होगा, देवताओं के टाइम में ऐसे वृक्षों के बारे में खूब सारी आपको जो है ना किंवदंतियां मिलती है, जहां एक वृक्ष होता है उसके नीचे कोई भी कल्पना करो उसके साथ वैसे ही होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली वो वृक्ष जिसके नीचे वो बैठा था वो साधारण वृक्ष नहीं था, वो एक कल्प वृक्ष था जो सारी इच्छाओं को पूर्ति करते चला जा रहा था। लेकिन आदमी क्या होता, देखो आदमी जो है ना अब हमेशा अच्छा नहीं सोचता है, अब उसको पता भी नहीं था कि कल्प वृक्ष है, उसको पता नहीं था। अब अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, यार मैं कहां बैठा हूं, रात हो गई है ना, ये तो जंगल है पूरा पूरा, हो सकता है कोई जंगली जानवर हो आसपास में, है ना, जंगली जानवर तो भरे पड़े हैं ना भाई, यहाँ तो शेर भी होंगे, भेड़िए भी होंगे। तो अचानक उसको लगा कोई जंगली जानवर भी तो आ सकता है, मतलब उसने क्या कल्पना कर ली कि यार कोई जंगली जानवर आ सकता है, और अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं अपने आप को बचाऊंगा कैसे भाई, अकेला हूं, है ना, कैसे क्या होगा मेरे साथ। और जैसे उसने सोचा कोई जंगली जानवर आ सकता है, मुझे खा सकता है, मार सकता है, बस होना शुरू हो गया। उसके सामने खुकार शेर आके प्रकट हो गया और शेर को पाके वो इतना डर गया कि उसने हिम्मत भी नहीं की भग जाऊं, और शेर ने उस पर हमला कर दिया और शेर उसको मार कर खा गया। मतलब क्या हुआ, उसने बहुत देर तक अच्छे अच्छे विचार रखे, काश मैं ऐसा कर लूं, काश मैं वो कर लूं, उसके साथ होता चला गया। लेकिन एक नेगेटिव विचार ने वो सारा खेल बिगाड़ दिया जो इतनी देर से मस्त चल रहा था। यही तो हमारे साथ हो रहा है भाई, हम किसी काम को करना शुरू करते पॉजिटिविटी के साथ, बहुत बार जो है ना और हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी बात चल रही होती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और अचानक कोई एक गलत विचार आ गया कि यार ये हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, मतलब एक डर आ गया, भय आ गया, बस वो नेगेटिव विचार आया और सारा विनाश, सारा परिणाम, रिजल्ट। इसलिए हमेशा ना हमेशा एक ही दिमाग में रखना है कि कभी भी दिमाग में क्योंकि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी इस समय हम पढ़ रहे होते हैं या जेट की तैयारी कर रहे हैं, BHU कर रहे हैं, ICRE कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, या किसी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस करने के लिए, काम के लिए, या कोई और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, IAS की कर रहे हैं, UPSC, RPSC कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में भी न जाने कितनी बार जो है ना अच्छी अच्छी बातें, एक दिन में बन जाऊंगा, एक साल हो जाएगा, मेरा ये कोर्स हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन फिर कभी कभी इतने नेगेटिव विचार आते हैं कि पता नहीं नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, पता नहीं क्या होगा, ये हो गया। और वो एक विचार जो है ना बेटा, वो सारी जितने भी अच्छे विचार थे उनको सबको साफ कर देता है, सबको जो है ना खत्म कर देता है। तो नेगेटिव एक विचार बहुत होता है बेटा, एक नेगेटिव विचार पॉजिटिवनेस को लेके बैठने के लिए, उनको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कभी भी जब भी नेगेटिविटी आए तो फिर से अपने आपको वो वाली चीजें सोचना शुरू कर दो जो जीवन में आपको बहुत मस्त
मुकाम पे लेके गई थी। जब आप छोटे थे तो आपने अच्छा किया था, कभी दौड़ में फंस आए थे, कभी जो है ना किसी पेड़ के ऊपर बाकी लोग नहीं चढ़ पाए थे, आप चढ़ गए थे, या कुछ भी आपने ऐसा किया था बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे, उन वाली पॉजिटिविटी को लाके, या फिर सफल होने के बाद में आप क्या करने वाले हैं, कैसे लोग आपके जयकारे लगाने वाले हैं, कैसे आप चैंपियन बन के दुनिया के सामने आने वाले हैं, जब आप एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जब आप एरोप्लेन से उतरेंगे तो लोग कैसे आपके लिए तालियां बजाएंगे, कैसे आपके लिए जो है ना घर पे लोग आके मिठाई खिला के जाएंगे, वो वाली पॉजिटिविटी अपने अंदर डालें, मतलब उस नेगेटिविटी को जल्दी खत्म करने की कोशिश करें, तो ही आप ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे। मुझे लग रहा मेरी बात जो समझ में थी वो मैंने लगा दिया, और आप अच्छा करते जाए, बढ़िया करते जाए, क्योंकि नेगेटिविटी बेटा एक सारे जो है ना पॉजिटिविटी को खत्म कर देती है। इसलिए कभी भी कोई भी कितना ही बुरा वक्त आ जाए, हमेशा ये सोचना कि नहीं बेहतरीन करूंगा, ये मेरी हो सकता है लास्ट एग्जाम हो, इस बार जो मेरा जो बुरा टाइम चल रहा है ये हो सकता है मेरा लास्ट बुरा टाइम हो, इसके बाद मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ही होना है, तो अच्छा ही सोचना है, क्योंकि दिमाग जैसा सोचेगा वैसे ही ये सृष्टि आपकी उस दिमाग की सोची हुई बात को पूर्ति करने में लग जाएगी, वो चीज आपको मिलने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, पूरी कायनात आपके लिए लग जाएगी। इसलिए अच्छा सोचते रहे, बढ़िया सोचते रहे, और हमेशा अपने सपने को जिए, सपनों को पाले, सपनों के लिए आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजदारी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सिंह।